हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका चैनल सिविल इंजीनियर विकास चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1400 स्क्वायर फीट घर में हम लोग प्लास्टर करेंगे तो हमारा लेबर मटेरियल रेट हमारा कितना रहेगा, लेबर प्लस मटेरियल रेट हमारा कितना रहेगा, इसी वीडियो में आज हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग बता देता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में थे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए, जैसे कि आप लोग ऐसा नया नया वीडियो आप लोग को जब भी आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन में शो करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा वीडियो की तरफ से। तो पहला हमारा आ गया क्या, जो भी हम लोग 1400 स्क्वायर फीट घर में हम लोग वॉल प्लास्टर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, मतलब दोनों तरफ से हम लोग को प्लास्टर करना पड़ेगा। तो दोनों को आप लोग मेजरमेंट करेंगे तो मेरा वहाँ पर मेजरमेंट करने के बाद मेरा कितना आ गया, मेरा 6920 स्क्वायर फीट मेरा आ गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, डोर और विंडो को भी आप लोग को वहाँ पे आप लोग को इंक्लूड करना है। उसके बाद आप लोग डोर विंडो का आप लोग जो जितना एरिया है आप लोग उसका माप लेना है। तो मेरा डोर विंडो का जो एरिया था मेरा वो 792 स्क्वायर फीट था। ठीक है, तो उसको हम लोग माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हमारा डोर विंडो में हम लोग का प्लास्टर नहीं लगता है। तो इसी एरिया को हम लोग क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का कितना आ जाएगा, तो इसको माइनस करने के बाद आप लोगों का कितना आ जाएगा, 6128 स्क्वायर फीट आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वॉल प्लास्टर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो सीलिंग प्लास्टर रहेगा, ठीक है, तो सीलिंग प्लास्टर में आप लोग का जो रहेगा वो मेरा कितना स्क्वायर फीट होगा, 1234 स्क्वायर फीट मेरा सीलिंग एरिया रहेगा। इसमें आप लोग जो वॉल प्लास्टर करेंगे उसमें आप लोग का जो रहेगा, आप लोग का थिकनेस रहेगा, आप लोग का 15 mm का थिकनेस रहेगा और सीलिंग प्लास्टर एरिया में आप लोग का 6 mm का थिकनेस मेरा रहेगा। ठीक है, उसमें जो रेशियो रहेगा आप लोग का 1:5 में उसका रेशियो रहता है। ठीक है, तो इसमें मेरा जो सीमेंट बैग लगेगा, जो वॉल प्लास्टर में मेरा जितना यूज हुआ है इसमें मेरा सीमेंट बैग कितना लगा, तो इसमें मेरा 55 सीमेंट बैग मेरा लग गया। ठीक है, उसके बाद जो सीलिंग प्लास्टर में मेरा जो 1234 स्क्वायर फीट एरिया मेरा जो हो गया इसमें मेरा सीमेंट बैग कितना लगा, तो इसमें मेरा सीमेंट बैग लगा 5 सीमेंट बैग मेरा सीलिंग एरिया प्लास्टर में लगा। ठीक है, उसके बाद सैंड मेरा कितना लगा, सैंड जो मेरा लगा वॉल प्लास्टर में वो मेरे को लगा कितना, 335 CFT मेरे को लगा, प्लस जो सीलिंग एरिया में मेरा कितना आ गया, 27 CFT मेरे को लगा क्या, जो सीलिंग एरिया जो मेरा हो गया प्लास्टर करने में, सैंड मेरे को 27 CFT मेरा लगा। ठीक है, तो अभी हम देखें क्या, जो सीमेंट बैग मेरा हो गया कितना, 55 + 5 मेरा कितना आ गया, 60 बैग मेरा यूज हुआ है। तो 60 बैग मेरा जो यूज हुआ है, 60 × क्या करेंगे, मेरा जो सीमेंट बैग मेरे को पड़ा था तो 430 रुपया पर बैग पड़ा था, तो 60 बैग इंटू 430 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 60 बैग इंटू 430 करेंगे तो आप लोग को पड़ जाएगा कितना, 25,800 रुपया आप लोग को देना पड़ेगा, 25,800 रुपया आप लोग क्या पड़ेगा, सीमेंट बैग। ठीक है, उसके बाद जो सैंड रहेगा आप लोग को 335 × 27 करेंगे तो आप लोग कितना आ जाएगा, 362 आप लोग को CFT आप लोग को पड़ेगा, पर CFT मेरे को 75 रुपया पड़ा था, तो 362 × 75 करेंगे तो आप लोग कितना आ जाएगा, ये आप लोग आ जाएगा 27,150 रुपया आप लोग को पड़ेगा। ठीक है, 27,150 रुपया आप लोग को पड़ेगा। उसके बाद आप लोग का कितना लेबर रेट आप लोग कितना हो गया, तो 6128 प्लस ये आप लोग प्लस कर देंगे 1234, तो दोनों को मिला देंगे तो आप लोगों का दोनों को मिलाने के बाद आप लोग कितना आ गया, तो दोनों को मिलाने के बाद आप लोग का आ गया 7,362 स्क्वायर फीट आप लोग को प्लास्टर करना है। तो पर स्क्वायर फीट आप लोग को पड़ेगा आप लोग को 12 रुपये में, तो टोटल आप लोग कितना हो जाएगा, 88,344 रुपये आप लोग को लेबर रेट पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कास्ट आप लोग कितना आ गया, तो सीमेंट का आप लोग का 25,800, सैंड का आप लोग 27,150 और लेबर रेट आप लोगों का लगेगा 28,344। तो टोटल करेंगे तो आप लोग कितना आ जाएगा, 1,41,294 रुपये आप लोग को टोटल कास्ट आप लोग को पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल नया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक कीजिए, जैसे कि आप लोग ऐसे नया नया वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।